हेलो एवरीवन, आई एम रितु कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम RPIT कैंपस करनाल। टुडे इज आवर टॉपिक टाइप ऑफ ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। देर आर द फोर टाइप ऑफ ब्रिक्स, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ब्रिक्स अकॉर्डिंग टू देयर ड्राई प्रोसेस। फर्स्ट वन सन ड्राइड, सेकंड ब्रंट। सन ड्राइड में डायरेक्ट जो आप सन के लाइट में ड्राई करते हो, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए आप उनको यूज करते हो, दैट इज द सन ड्राइड ब्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं ब्रंट के। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी अच्छी होगी और उसको वही क्लास मिलेगी। अगर फर्स्ट क्लास की हम बात करें तो इसमें ओवरऑल सभी आपको क्वालिटी मिलेंगी। एक परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक आर गुड क्वालिटी ब्रिक कंपेयर टू अदर क्लासेज। बाकी के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं। दे आर मोल्डेड बाई टेबल मोल्डेड एंड ब्रंट इन लार्ज किलन। सो दिस ब्रिक कंटेन स्टैंडर्ड शेप, शार्प एज एंड द स्मूथ सरफेस। क्या कहा इन्होंने कि टेबल पर आप इसको एक मतलब अच्छी जगह पर, ठीक है, टेबल है, स्मूथ एरिया होता है, तो टेबल पर आप इसकी मोल्डिंग प्रोसेस करते हो। मोल्डिंग प्रोसेस होता है, उसमें शेप देना होता है ब्रिक को, और लार्ज किलन में, एक बड़े वाले भट्टे में आप इसको ब्रंट करते हो, जलाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो स्टैंडर्ड इसकी शेप है, शार्प एज है इसके, और जो सरफेस है वो इसका स्मूथ है। दे आर मोर ड्यूरेबल एंड हैविंग मोर स्ट्रेंथ। काफ़ी ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी इसकी। दे कैन बी यूज फॉर परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए आप इसको यूज करोगे। हाउएवर बिकॉज ऑफ देयर गुड प्रॉपर्टी दे आर कॉस्टली देन अदर क्लासेज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रही, कंप्रेसिव जब फोर्स लगता है तो उसको रजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हमें ज़रूरत पड़ती है। द वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर इन वाटर इज नो मोर देन 20% बाई मास ऑफ ब्रिक। जो वाटर एब्जॉर्प्शन है इसका 24 घंटे के अंदर, तो वो कितना है कि जितना ब्रिक्स का मास होता है, जो वेट होता है, उससे 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है। सेकेंड करते हैं हम सेकेंड क्लास ब्रिक में। सेकेंड क्लास ब्रिक आर मॉडरेट क्वालिटी ब्रिक एंड दे आर मोल्डेड बाई ग्राउंड मोल्डेड प्रोसेस। अभी हमने फर्स्ट क्लास में क्या कहा कि उसको टेबल पर मोल्ड किया जाता है। अब इतनी टेबल आएंगी कहाँ से, इतनी सारी ब्रिक्स हमें बनानी होती हैं, तो इस वजह से उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। सेकेंड क्लास में हम क्या करते हैं, ज़मीन पर, ग्राउंड पर मोल्डिंग प्रोसेस कम्प्लीट करते हैं। दीज ब्रिक आर ऑल्सो ब्रंट इन किलन में इसको ब्रंट करेंगे, बट बिकॉज ऑफ ग्राउंड मोल्डिंग की वजह से दे डू नॉट हैव स्मूथ सरफेस एज वेल एज शार्प एज। क्योंकि इसको ग्राउंड पर, वैसे तो ग्राउंड को भी हम काफ़ी साफ करते हैं, उसको प्लेन एरिया में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, क्योंकि इसकी ग्राउंड मोल्डिंग है तो इसका सरफेस इतना स्मूथ नहीं आएगा जितना फर्स्ट क्लास का आएगा। द शेप ऑफ ब्रिक ऑल्सो इरेगुलर ड्यू टू अनइवननेस इन ग्राउंड। दिच ऑल्सो विल गिव बेस्ट रिजल्ट इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। वैसे तो अनइवननेस या फिर इरेगुलर की वजह से मतलब इरेगुलर हो जाता है ड्यू टू अनइवननेस की वजह से ग्राउंड में, लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। स्मूथ प्लास्टरिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द ब्रिक स्ट्रक्चर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर और द वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर 24 आवर्स इन द वाटर इज अबाउट 22% बाई मास ऑफ ब्रिक। और जो 24 घंटे में जो वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी कैपेसिटी रहेगी वो कितना है, वो लगभग 22% के आसपास ये क्या कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती। अब दोनों में हम कंपैरिजन की बात करें, वो कितना एब्जॉर्ब करती, सिर्फ 20%, ये कितना करती, 22%। वो क्या है, फर्स्ट क्लास ही, सेकंड क्लास है, उसको आप टेबल पर मोल्ड कर रहे हो, इसको आप ग्राउंड पर मोल्ड कर रहे हो, और ग्राउंड पर जब आप इसको मोल्डिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो भी ग्राउंड, जो मिट्टी का जो ग्राउंड है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्ग्रेडियंट होंगे जो इसके अंदर मिक्स होंगे, तो वो इसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेंगे। सरफेस भी इसका अनइवन हो जाता है, सरफेस भी इतना स्मूथ नहीं मिलता हमें। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारे लिए परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी मतलब बहुत सही है, ठीक है।